दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के सभी कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जब से प्रतीक ने घर के अंदर चल रहा टिकट टू फिनाले टास्क को रद्द करवाया है, तभी से घर के सभी कंटेस्टेंट प्रतीक के खिलाफ हुए हैं। और इस समय तो मुस्कान जटाना भी प्रतीक को काफी खरी खोटी सुना रही है और खरी खोटी सुनाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रही। दरअसल दोस्तों मुस्कान कह रही है कि तू जब भी कोई टास्क हारता है तो हमेशा रोने लगता है बच्चों की तरह और फिर टास्क को रद्द करवा देता है, और आज भी तूने ऐसा ही किया। लेकिन दोस्तों प्रतीक सहजपाल ने उल्टा मुस्कान को ही डांटते हुए कह दिया कि यह सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तूने खराब संचालन किया था, फैसला लेना तो तुझे आता नहीं है, तभी तो तूने मेरे हक में ना फैसला सुनाते हुए राकेश बापट को जिता दिया। इस पर दोस्तों मुस्कान जटाना काफी ज्यादा भड़क गई और प्रतीक के खिलाफ हो गई, जिसके चलते दोनों ही कंटेस्टेंट के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब भी प्रतीक सहजपाल किसी भी प्रकार के कोई टास्क को हारते हैं तो फिर वो उस टास्क को रद्द ही करवा देते हैं, जैसा कि उन्होंने दो दिन पहले भी घर के अंदर जब कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेशन से बचने का मौका दिया गया था उस दौरान भी प्रतीक सहजपाल हार गए थे, और जैसे ही प्रतीक सहजपाल उस टास्क को हारे थे तो उन्होंने तुरंत ही उस टास्क को भी रद्द करवा दिया था। और एक बार फिर से आज प्रतीक सहजपाल ने टिकट टू फिनाले टास्क को हारते ही इस टास्क को रद्द करवाने की प्लानिंग बना ली थी, जिसके बाद में उन्होंने बिग बॉस की कोई भी आदेश की पालना नहीं की, जिसके चलते बिग बॉस ने इस टास्क को यहीं पर रद्द करवा दिया। यहां तक कि दोस्तों प्रतीक सहजपाल की इस हरकत पर बिग बॉस भी काफी नाराज हुए थे और घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने उन्होंने प्रतीक सहजपाल की भी काफी निंदा की थी। और ये चीज मुस्कान ने भी झगड़े के दौरान कहा कि तुझे बिग बॉस ने इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करके डांट दिया, फिर भी तू नहीं समझ रहा और अपनी गलती को नहीं मान रहा, तेरे से ज्यादा बेशरम तो इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। खैर दोस्तों जो कुछ भी हो, फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या प्रतीक सहजपाल यहाँ पर सही है या गलत, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।